को मिलता हुआ, बट आई कुसोल अब देखिए रॉनी एस पावर सारे खिलाड़ी आ पहुंचे गुजरात टाइगर्स के काफी करीब। क्लच गॉड एचपी बहुत ज्यादा कम है, सर्कल के अंदर आने की जरूरत है, थोड़ा लेट में बॉक्स उनको डाउन करते हुए दिखाई देंगे। क्लच गॉड जोन के बाहर नॉक हुए प्लेयर्स, उनको भी समाप्त कर दिया गया। गुजरात टाइगर्स वो यहाँ पर मौजूद है, पर आइकु सोल उनके कुछ और एक्स्ट्रा प्लान्स, एक और खिलाड़ी को डाउन करते हुए दिखाई तो दिए, पर उनका एक और खिलाड़ी डाउन है, रिवाइव किया जाएगा शैडो। उनके पास स्मोक्स मात्र आपको देखने को मिलेंगे। शैडो क्या वो आगे रश करना चाहता है, स्मोक का इस्तेमाल किया गया पर उन्होंने उस खिलाड़ी को देखा नहीं। एस पावर वो शैडो जी, और शैडो जी वो आपको थोड़ा आगे जाते हुए दिखाई देंगे, और देखते ही देखते शैडो जी जिन्होंने 1v4 किया था, क्या एक बार फिर से वो कर पाएंगे? शायद नहीं। नकुल उन्होंने शट डाउन किया शैडो को, और देखते ही देखते गुजरात टाइगर्स इस मुकाबले में चौथे पायदान पर बाहर। बहुत ही बेहतरीन कोशिश हालांकि हम कहेंगे शैडो के द्वारा देखने को मिला, बट सही टाइम पे आइकु सोल के जो नंबर्स थे बहुत ज्यादा मैटर कर गए। मैं बस देख रहा हूँ कि टीम आइकु सोल पिछले मैच में चौथा पायदान, इस मैच में टॉप 3, 3 फिनिशर्स निकाल चुके हैं मान्य। उन्होंने सामने खिलाड़ियों को स्पॉट किया आईफ्लिक्स, ये मैच उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। पहले मैच में उतना बढ़िया वो नहीं कर पाए, ये आज के दिन का दूसरा मैच जहां पर उन्होंने टॉप 3 में एंट्री बनाई है, पर वहीं पे क्रिप्टो एक नेक के साथ प्रो को डाउन किया गया, रॉबिन उसको भी डाउन कर दिया गया। नकुल एचपी बहुत कम, वहां पर गाड़ी ब्लास्ट करी जाएगी, पर नकुल वो सेफ और सुरक्षित आपको दिखाई देंगे। सैम उसको भी स्पॉट कर दिया गया क्रिप्टो के द्वारा। व्हाट ऑल ईस्पोर्ट, जिनके पास मौका था कि वो चिकन डिनर निकाल सकते थे, क्रिप्टो उन्होंने क्या 1v3 किया? शायद हाँ, जी हाँ बिल्कुल किया, बट आखिरी बचे खिलाड़ी आइकु सोल के नकुल थे। बट टीम आईफ्लिक्स का ये एक स्टेटमेंट देखने को मिला, स्टार्टिंग से ही सर्कल की एक बहुत ही बेहतरीन पकड़, और इसी के साथ यहाँ पे निकाल लिया है अपने नाम एक चिकन डिनर। सिर्फ चिकन डिनर ही नहीं मेजी, उसके साथ लेके भी गए हैं 50,000 रुपये, और सारे आइकु सोल के जितने भी समर्थक थे उनके चेहरे पे एक शिकन।